बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस फायज़ा। आज हम अपने इस्लामियात के नए सबक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का मुकरमा में पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर तरफ नूर का उजाला फैल गया और अल्लाह ताला के हुक्म से बेशुमार फरिश्ते आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने लगे। हर तरफ खुशबू फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। मोहम्मद के मायनी है जिसकी बहुत तारीफ़ की जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नूरानी और सफाई को पसंद करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में लड़ाई झगड़े और खेल कूद से दूर रहते। आप हमेशा दूसरों की मदद करके खुश होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुरे लोगों को दोस्त नहीं बनाया। अरब के बहुत कम लोग एक अल्लाह को मानते थे, ज़्यादातर लोग बुतों की इबादत करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया और बुतों की इबादत से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बुतों से नफरत की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह अन्हु है। जैसा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी मक्का मुकरमा में पीर के दिन 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। आपको पता है ना, 12 रबी अव्वल को हम ईद मिलादुन नबी भी कहते हैं और हम ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं। जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, उस टाइम बहुत जहालत थी और पर उनके आने के बाद जो है नूर फैल गया, यानी कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। जब आप पैदा हुए तो अल्लाह ताला के बेशुमार फरिश्तों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि जिस नबी पर किताब नाजिल होती है उस नबी को रसूल भी कहते हैं, तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ, इसलिए इनको रसूल भी कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में लड़ाई झगड़े और खेल कूद से हमेशा दूर रहते और दूसरों की मदद करके बहुत ज़्यादा खुश होते। बुरे लोगों को दोस्त वो कभी भी नहीं बनाते थे। और सब कहते हैं ना कि आप अच्छे दोस्त बनाया करें, अच्छे लोगों की दोस्ती के सोबत में रहा करें। तो इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे लोगों को दोस्त भी नहीं बनाते थे। और अरब के बहुत कम लोग अल्लाह को मानते थे, तो ज़्यादातर लोग उस टाइम बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह ताला को नहीं मानते थे और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, उनको समझाया कि बुतों की इबादत नहीं किया करें और आपने हमेशा बुतों की इबादत से नफ़रत की। इसके बाद हम इस चैप्टर की खाली जगह करेंगे जो कि हमारे पास सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद है। आप भी अपने किताब का सफ़ा नंबर 15 निकालिए मेरे साथ और इसकी खाली जगह जो है फिल करें। जैसे कि क्लास में मैं आपको बोलती थी ना कि ब्लू लाइन पर डेट डालें, तो आज आप डेट डालें और उसके बाद मेरे साथ काम करना शुरू कर दें। नंबर एक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत डेश है, अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर दो में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के डेश रसूल हैं। आखिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेश को पसंद करने वाले हैं, सफाई। नंबर चार में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा डेश से नफरत की, बुत परस्ती से। वो हमेशा बुतों की पूजा करने से मना करते थे ना, तो वो बुत परस्ती से नफरत करते थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।